नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले के अंजड़ से, जहां अंजड़ नगर परिषद कांग्रेस के 3 पार्षद सहित पार्षद प्रतिनिधि ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर परिषद के निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं होने को लेकर अंजड़ वार्ड नंबर 2 के पार्षद शरद ठाकुर, वार्ड नंबर 10 के पार्षद कुलदीप पाटीदार व वार्ड नंबर 4 के पार्षद मंजुला राकेश पाटीदार सहित वार्ड नंबर 7 पार्षद प्रतिनिधि अतुल पाटीदार ने 30 सितंबर को नगर परिषद में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एवं पत्रकार वार्ता करने का ऐलान किया है। पार्षद मंजुला राकेश पाटीदार के लेटर हेड पर पार्षद ठाकुर एवं पाटीदार के संयुक्त हस्ताक्षर से एक सूचना पत्र कलेक्टर बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा, राजपुर SDM, तहसीलदार, CMO एवं थाना प्रभारी व नगर परिषद अध्यक्ष को सौंपा गया है। पत्र में बताया गया है कि पिछले कुछ माह पूर्व हमने नगर परिषद द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में व्यापक खामियां व भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री, विभागीय उच्च अधिकारी व जिला कलेक्टर बड़वानी सहित कई स्तरों पर की थी, लेकिन हमारी शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई या जाँच नहीं की गई। इससे प्रतीत होता है कि शिकायत करने के बावजूद जाँच नहीं होने से भ्रष्टाचार में सहभागिता सहित कई शंका कुशंकाओं को जन्म दे रही है। सूचना देते हुए पार्षद कुलदीप पाटीदार ने बताया कि हम संयुक्त रूप से नगर के आमजनों के साथ 30 सितंबर को नगर परिषद प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखकर अपनी बात उच्च स्तर पर रखेंगे। वहीं अंजड़ में कपास व्यवसायी द्वारा आज से अनिश्चितकालीन मंडी बंद का आह्वान किया गया है। मध्यांचल कॉटन जिनर्स एवं एसोसिएशन के आह्वान पर कपास व्यवसायी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंडी और निराक्षिक टैक्स की विसंगति से कपास का व्यापार पूरे प्रदेश भर में प्रभावित हो रहा है। मंडी संघ अध्यक्ष जुगल किशोर पाटनी, सचिव महेंद्र बावसर ने बताया कि बार बार शासन का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास किए गए कि मंडी टैक्स अन्य राज्यों के बराबर किए जावे, परंतु भारत सरकार की नई नीति 2020 कृषि उपज बिल अनुसार मंडी प्रांगण के बाहर उपज खरीदी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार का विधेयक लाया गया है। इसका कॉटन व्यवसायी ने विरोध करते हुए और अपनी बात रखी कि मंडी टैक्स वसूल किया जावे जो अन्य राज्यों में 50 पैसा है। व्यापारी टैक्स देने पर सहमत है, परंतु मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज खरीदी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस विधेयक का विरोध करते हैं। इस मांग को लेकर आज दोपहर 1 बजे कॉटन व्यवसायी संघ ने मंडी सचिव को ज्ञापन प्रस्तुत किया। दलन तिलन संघ के अध्यक्ष सुरेश पतालिया ने भी समर्थन में सभी गल्ला व्यापारियों से हड़ताल में सम्मिलित होने का आह्वान किया। अंजड़ खेतिया व पानसमल में सरकार द्वारा वादा खिलाफी करने के बाद मांगों का निराकरण नहीं होने पर मंडी कर्मचारियों की पुनः हड़ताल शुरू। कृषि मंडी के मॉडल एक्ट को लेकर कृषि उपज मंडी अंजड़ खेतिया व पानसमल के समस्त कर्मचारियों ने सरकार द्वारा वादा खिलाफी करने के बाद कर्मचारियों द्वारा रखी गई वाजिब मांगों के उचित निराकरण न होने पर 25 सितंबर से पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा 15 दिन का समय मांगने पर कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद भी मंडी कर्मचारियों की मांगों को आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया। मंडी सचिव हिम्मत सिंह जमरा व OP खेड़े द्वारा बताया गया कि नए एक्ट द्वारा मंडी की संपूर्ण आय खत्म हो जाएगी, साथ ही हम्माल तुलावटी की आय के जरिए भी समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। न्यूज लीडर्स के लिए अंजड़ से सतीश परियार एवं पानसमल से विशाल भावसर की रिपोर्ट। न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।